प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल लखनऊ में दशहरा मनाएंगे। प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को दशहरे के दिन लखनऊ में होंगे। प्रधानमंत्री लखनऊ की ऐशबाग रामलीला कमेटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमूमन प्रधानमंत्री दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में ही शामिल होते थे रामलीला में, लेकिन ये पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री लखनऊ में दशहरा मनाएगा। तो 11 अक्टूबर को दशहरा है, इस मौके पर पहली बार ये होगा कि दिल्ली में नहीं होंगे प्रधानमंत्री बल्कि लखनऊ में दशहरा मनाएंगे। इस बार पहली बार ये चीज देखने को मिल रही है और इसलिए इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि खास तौर पे अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है 2017 में, और ऐसे में एक तरह से लोगों के साथ कैसे जुड़ा जाए, कोई भी मौका चूका ना जाए, शायद इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। तो इस बार लखनऊ में होंगे प्रधानमंत्री मोदी दशहरे के मौके पर। 11 अक्टूबर को दशहरा है और इस मौके पर इस बार दिल्ली में नहीं बल्कि लखनऊ में दशहरा मनाया जाएगा प्रधानमंत्री की ओर से। हालांकि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब कोई प्रधानमंत्री दिल्ली से नहीं लखनऊ में मौजूदगी उसकी होगी दशहरे के दिन। विवेक तिवारी हमारे साथ हैं। विवेक, क्या समझा जाए इसे, पहली बार ये देखने को मिलेगा कि दशहरे के मौके पर दिल्ली में नहीं बल्कि लखनऊ में होंगे प्रधानमंत्री? देखिए, जो ऐशबाग रामलीला समिति है लखनऊ की, सबसे पुरानी रामलीला समिति है और यहाँ पर भव्य स्तर पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। दिनेश शर्मा शास्त्री उपाध्यक्ष है बीजेपी के और लखनऊ के मेयर भी हैं, वो इस समिति के संरक्षक हैं। उनकी तरफ से प्रधानमंत्री को इस दशहरे के आयोजन के मौके पर निमंत्रण का पत्र भेजा गया है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि 11 तारीख को वो आ रहे हैं पक्के तौर पर, लेकिन बीजेपी के जो सूत्र है, जो लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को यहाँ कराने में, उनका ये दावा है कि प्रधानमंत्री निश्चित रूप से 11 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी की सारी रणनीति ये है कि उससे बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे दूसरे बड़े नेता हो, वो लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी बनाए रहे। इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री को यहाँ बुलाया जा रहा है। और इससे पहले 6 तारीख को मनोहर पर्रिकर, जो रक्षा मंत्री है, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के उनका नागरिक अभिनंदन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आगरा और लखनऊ दो जगहों पर वो रहेंगे। तो इस तरह से बीजेपी के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, वो भी लगातार उत्तर प्रदेश में बने हुए, पीयूष गोयल भी उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर ये सारा कुछ किया जा रहा है। और अगर प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा मौका होगा और पहली बार ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री दिल्ली के बजाय लखनऊ में दशहरा मनाएंगे। चलिए विवेक, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई में अहम इसीलिए है क्योंकि ये पहला मौका होगा जब दिल्ली में नहीं बल्कि लखनऊ में दशहरा मनाया जाएगा प्रधानमंत्री की ओर से। चूंकि चुनावी साल है, 2017 में चुनाव होने हैं, इसलिए आज से इसे बेहद महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी में अखिलेश सरकार से चीनी मिलों को एक बड़ी राहत मिली है। अखिलेश सरकार ने यूपी की चीनी मिलों का 700 करोड़ रुपए का ब्याज माफ कर दिया है। ये ब्याज पेराई सत्र 2014-15 में किसानों को देरी से भुगतान के कारण लगाया गया था। यूपी सरकार के फैसले से चीनी मिलों को तो फायदा पहुंचा ही है, लेकिन सवाल गन्ना किसानों को लेकर उठ रहे हैं। सवाल यह है कि यूपी सरकार ने चीनी मिलों को तो राहत दे दी है, लेकिन गन्ना किसानों को कब उनका बकाया मिलेगा? यूपी सरकार गन्ना किसानों को चीनी मिलों से उनका बकाया कब दिलाएगी? तो चीनी मिलों को तो राहत हो गई है, लेकिन बहुत अहम सवाल यही होता है कि जो चीनी मिल में गन्ना पहुंचाया जाता है जिन किसानों की ओर से, उन चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बहुत एक तरीके से बड़ा अमाउंट जो बकाया है, हजारों करोड़ रुपए बकाए हैं, उसको लेकर एक कोशिशें क्यों नहीं होती हैं? ब्याज जरूर माफ किया गया है, 700 करोड़ का ये ब्याज है जो यूपी सरकार ने माफ किया है चीनी मिलों का, लेकिन क्या किसानों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि यही वो चीनी मिले हैं जिन पर बकाया भी है गन्ना किसानों का। गन्ना तो पहुंचा दिया गया किसानों की तरफ से, लेकिन भुगतान नहीं किया गया वक्त पर।